देर आर सम वेरी वेरी सिंपल थिंग्स दैट वी कैन डू टू स्टे फायर सेफ. तो सबसे पहले यू हैव टू लर्न हाउ टू डील विद योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. अक्सर हम देखते हैं कि एक ही प्लग पॉइंट पे यू हैव मल्टीपल पॉइंट्स दैट पीपल हैव पुट. एक्सटेंशन वायर्स के ऊपर आपने हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इंस्टॉल कर दिया है. MCBs का अगर आप इस्तेमाल करें किचन्स में यूजिंग वाटर ऑन यू नो कुकिंग ऑयल फायर्स, जबकि पानी का इस्तेमाल कभी भी कुकिंग ऑयल फायर्स में आप ना करें, बिकॉज वाटर इज लाइटर देन द ऑयल एंड द मिनट यू एडमिनिस्टर वाटर ऑन कुकिंग ऑयल फायर्स इट स्प्लैशेस. इन केस ऑफ अ नॉर्मल फायर सिनेरियो आपका पहला रिस्पॉन्स होना चाहिए दैट यू रेज एन अलार्म, आस्क समबडी टू कॉल फॉर द फायर ब्रिगेड. Somebody should immediately go and attack the fire with whatever is available in terms of the fire safety equipment, whether it is a fire extinguisher of home. And then you have to ensure that the family members are evacuated, are taken out to safety. You know, often in homes, we do not know what is the evacuation route. आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि अगर आपके घर में कभी आग लगे तो क्या आपको मालूम है कि आपके emergency routes क्या हैं? कभी कभी ऐसा होता है जब आपने फायर को डिटेक्ट किया है एट अ लेटर स्टेज वेयर द फायर इज ऑलरेडी ग्रोन टू अ सब्सटेंशियल साइज, देयर द सिंपल रूल इज इवैक्यूएट इवैक्यूएट एंड इवैक्यूएट, जस्ट रन आउट ऑफ द प्लेस एंड रन आउट टू सेफ्टी. फायर फाइटिंग भी दो प्रकार की है. एक मैनुअल फायर फाइटिंग है जब आप खुद एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर फायर पे अटैक करते हैं, और दूसरी तरफ पे आज के ज़माने में बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप हुए हैं जो कि ऑटोमेटिक फायर सेफ्टी फायर फाइटिंग करते हैं. वो बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में फायर फाइटिंग के लिए. देखिए हर फायर एक्सटिंग्विशर में कुछ इम्पॉर्टेंट मुख्य तौर पर ये इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं. सबसे पहला है प्रेशर गेज. प्रेशर गेज आपको ये बताता है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर इस समय चार्ज है कि नहीं. तो अगर इसकी नीडल जो है ग्रीन जोन में है, इसका मतलब है फायर एक्सटिंग्विशर रेडी है, आप इसको फायर के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं. उसके बाद हर एक्सटिंग्विशर में एक सेफ्टी पिन रहती है जो कि एक्सीडेंटल एक्टिवेशन को बचाने के लिए है, तो इसको आप रिमूव करेंगे. उसके बाद ये होस पाइप है, इसको हम पास ट्रेनिंग बोलते हैं फायर सेफ्टी के लैंग्वेज में. पास ट्रेनिंग इज व्हेन यू रिमूव द पिन, पुल द सेफ्टी पिन, एम दिस होज एट द बेस ऑफ फायर यू नो, एंड देन स्क्वीज द लीवर फ्रॉम हियर एंड जस्ट डिस्चार्ज द इंटायर एजेंट ऑन द फायर एमिंग एट द बेस ऑफ इट. इसी का छोटा रूप जो है वो ये एक्सटिंग्विशर है. दिस इज द स्मॉल वर्जन ऑफ द सेम एक्सटिंग्विशर व्हिच इज मेंट फॉर होम्स एंड कार्स. तो इसमें आपको सेफ्टी सील आपने यहाँ से हटाई, देखा कि प्रेशर गेज रेडी है, दिस इज वेयर यू डिप्रेस एंड एमिंग एट द बेस ऑफ फायर वी कैन सिंपली लॉन्च इट. सो वी विल जस्ट शो यू हाउ डू यू एक्चुअली यूज इट ऑन अ रियल फायर. तो आपने एम किया बेस पे फायर की और वेरी इजीली यू कैन कट इट आउट.